जय हिंद, वेलकम बैक टू द इन्फॉर्मेशन ग्रुप। आप सभी का इन्फॉर्मेशन ग्रुप में बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए। आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं बिहार एसएससी के फॉर्म फिल कैसे करें, जो अभी न्यू वैकेंसी निकली है 12th लेवल की, इंटर लेवल की जो वैकेंसी निकली है उसका फॉर्म, बिहार एसएससी का फॉर्म कैसे फिल करें। तो आपको सिंपली गूगल की तरफ आना है या फिर अपना क्रोम ओपन करना है और यहाँ पे आपको सर्च बार दिख रहा है उस पर आपको सर्च करना है, जैसे इस पर आएँ और यहाँ पे सर्च करना है बिहार एसएससी। जैसे आप बिहार एसएससी सर्च करते हैं तो आपके सामने एक नया इंटरफेस शो होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, आपको यहाँ पे दिख रहा है। आपको ये वेबसाइट पे क्लिक करना है। जैसे आप इस वेबसाइट पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक नया इंटरफेस शो होगा और यहाँ पे आपको दिख रहा है फर्स्ट लिंक। आप डेट भी देख लीजिए, यहाँ पे डेट लिखा हुआ है 11/11/2023 आपको यहाँ पे दिख रहा है और यहाँ पे आपको दिख रहा है फर्स्ट लिंक। आपको ये फर्स्ट लिंक आपको यहाँ पे दिख रहा है, उस पर क्लिक करेंगे। जैसे उस पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो चुका है और यहीं से आप जो वैकेंसी निकली है बिहार एसएससी की तरफ से उसमें अप्लाई कर सकते हैं, उसमें आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का ऑफिशियल वेबसाइट है और नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको दिख रहा है क्लिक हेयर फॉर रजिस्ट्रेशन। आपको रजिस्ट्रेशन करने के लिए इस पर क्लिक करना है या फिर आप यहाँ से भी क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं सर्विस, ऑनलाइन सर्विस आपको दिख रहा है। नीचे आप देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन, लॉग इन, फॉरगेट योर रजिस्ट्रेशन नंबर, यहाँ पे आप देख सकते हैं फॉरगेट योर पासवर्ड। यहाँ पे क्लिक करके अगर आप पहले से रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं और अपना रजिस्ट्रेशन नंबर भूल चुके हैं या पासवर्ड भूल चुके हैं तो यहाँ पे आप क्लिक करके प्राप्त कर सकते हैं अपना जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड है। अगर आप न्यू फ्रेशर हैं और यहाँ पे अप्लाई करने आए हैं तो आपको सिंपली आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन पे या फिर आपको नीचे जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, दोनों में से आप किसी भी क्लिक कीजिएगा। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो मेरे सामने एक नया पेज ओपन होगा और यहाँ से आप अपना जो फॉर्म है वो भर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, नीचे आएंगे यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है रजिस्ट्रेशन, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। यहाँ पे ये पढ़ लीजिए मार्क फिल आर मैंडेटरी, मतलब जहाँ पे स्टार मार्क होगा, जैसे आपको मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे नेम पे जो स्टार मार्क आपको दिख रहा है, जूम करके अभी आपको मैं दिखा रहा हूँ, देखिए ये जो आपको स्टार मार्क जहाँ जहाँ दिख रहा है वो भरना आपको बहुत ज़रूरी है। अगर आप वो नहीं भरते हैं तो आप फॉर्म सबमिट नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर आपका नाम आपको देना है, आवेदक का नाम, जो आपका नाम रहेगा वो आपके जो मार्कशीट है 10th या 12th की मार्कशीट जो आपको मिले है उस पे जैसा नाम है आपको वैसे ही नाम देना है। आपको यहाँ पे देख सकते हैं नेम एज इन द मैट्रिक और सेकेंडरी एजुकेशन सर्टिफिकेट, यहाँ पे आप देख सकते हैं 10th एंड 12th पे जो आपका मार्कशीट पे जैसा नाम है आपको वही नाम आपको यहाँ पे टाइप करना है। कुछ अलग से नाम आप टाइप मत कीजिएगा या स्पेलिंग मिस्टेक मत कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आप अगर एक बार फॉर्म भरते हैं तो आपको करेक्शन करने के लिए मौका नहीं दिया जाएगा। इसलिए बहुत सोच समझ के और बहुत ध्यान से अपने पास किसी भाई को या फिर किसी अपने दोस्त को बैठा लीजिए और फॉर्म भरते वक्त आप जैसे भी कोई टाइप कर रहे हैं, कोई आप यहाँ पर टाइप करके अपना नाम लिख रहे हैं तो आप खुद देखिए, अपने भाई को बोलिए देखने के लिए कि क्या मैं सही कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि अगर आप इसमें कुछ गड़बड़ करते हैं, गलती करते हैं तो आपको फॉर्म भरने के बाद भी आपका कोई मतलब नहीं रहेगा, क्योंकि आप उस जब उसमें आप नाम ही सही नहीं लिखे हैं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट भी हो सकता है। यहाँ पे नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको जेंडर आपको सिलेक्ट करना है, मेल फीमेल आपको जो भी है वो सिलेक्ट करेंगे। आपको यहाँ पूछा जा रहा है कि क्या आप बिहार राज्य के निवासी हैं, तो अगर आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट या निवास प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट है तो आपको यस करना है। अगर आप बिहार के निवासी नहीं हैं तो आपको नो पे क्लिक करना है। जैसे मैं नो पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पे पूरी यहाँ पे लिख के आया दूसरे राज्य के उम्मीदवार सामान्य वर्ग के, मतलब जो दूसरे राज्य के जो स्टूडेंट होंगे उनको कोई भी आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा, मतलब उन लोगों को कोई भी आरक्षण नहीं दिया जाएगा। अगर वो दूसरे राज्य से हैं, अगर वो ओबीसी है या ईबीसी या एसटी है तो उनको जनरल ही माना जाएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ पे साफ साफ पढ़ सकते हैं, मैं ओके पे क्लिक करता हूँ। जैसे मैं नो पे क्लिक किया तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नो पे क्लिक किया तो ये ऑटोमेटिक जनरल सेलेक्ट हो गया, और जनरल सेलेक्ट करने के बाद देखिए सब नो 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 ऑटोमेटिक, यहाँ पे आप देख सकते सब ऑटोमेटिक फिल हो चुका है, यहाँ पे मैं कुछ भी नहीं भर सकता। तो अगर आप बिहार राज्य के हैं, निवासी है और आपके पास दो मसाइल सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है, ऐसा नहीं कि आप बिहार के रहने वाले हैं और आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो आप इसमें आपको नो ही सेलेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास
सर्टिफिकेट रहेगा तभी आप गवर्नमेंट को प्रूफ कर पाएंगे कि आप बिहार राज्य के निवासी हैं। जैसे मैं यस पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ऑटोमेटिक्स मेरे सामने सब बहुत सारा ऑप्शन खुल चुका है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको कैटेगरी आपको चूज़ करना है, आप जनरल है, EBC है या BC है या SC है या ST है, तो जो भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। या अगर आप जनरल पे सिलेक्ट करते हैं तो आपको EWS से अगर आप बिलोंग करते हैं तो यस कर सकते हैं या फिर नो क्लिक कर सकते हैं। और जैसे मैं EBC पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे मैं EBC स्लिप क्लिक किया तो ये ऑप्शन अपने आप कट हो चुका है और मेरे पास सेकेंड ऑप्शन खुला है और वो है नॉन क्लेम सर्टिफिकेट। जो EBC से आते हैं जो कैंडिडेट, वो अगर उनके पास नॉन क्लेम सर्टिफिकेट है तो यहाँ पे आप यस सिलेक्ट कीजिएगा और वरना फिर नो पे सिलेक्ट कर लीजिएगा। तो अगर आपके पास EBC सर्टिफिकेट नहीं है तो बनवा लीजिए, क्योंकि आज आगे जाके आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा अगर आप वो EBC से आते हैं तो। उसके बाद आपके अगर आप विकलांग है तो आप यस सेलेक्ट कीजिएगा, अगर आप नहीं है तो आप नो सेलेक्ट कीजिएगा। उसके बाद नीचे आएंगे तो नीचे आने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है अगर आप यस करते हैं तो आपको ये सब भरना पड़ेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं नेचर ऑफ डिसेबिलिटी, क्या परमानेंट है या टेम्परेरी है, कितना है, 40% ज़्यादा है या कम है, ये सब भरना पड़ेगा। अगर आप डिसेबिलिटी नहीं है, मतलब आपके अंदर कोई भी मतलब आप अपंग नहीं है, तो आप नो प्लेस से, जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ये सब ऑटोमेटिक कट हो गया। मैं इसको अभी कुछ, मेरे को कुछ फिल ही नहीं करना है इसके अंदर, ये सब ऑटोमेटिक फिल हो चुका है। उसके बाद नीचे आएंगे तो क्या आप कोई एक्स सर्विसमैन है, मतलब कि आपने पहले कहीं पे जॉब करते थे एक्स सर्विसमैन, तो आप अगर है तो यस करेंगे, अगर आप नहीं है तो नो सेलेक्ट करेंगे। तो मैं यहाँ पे नो सेलेक्ट कर लेता हूँ। मैं जैसे नो सेलेक्ट किया तो देख सकते हैं यहाँ पे ये ऑटोमेटिक फिल हो चुका है। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगर आपके कोई मतलब अगर आप बिहार में गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं या करते हैं तो आपको यस सेलेक्ट करना है, अगर आप नहीं करते हैं तो नो पे सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे मैं नो सेलेक्ट जैसे ही करता हूँ तो जैसे यहाँ पे ऑटोमेटिक ये फिल हो चुका है। उसके बाद यहाँ पे नीचे आएंगे तो नीचे आने के उसके बाद जैसे मैं देखो यहाँ पे आपको बता रहा था ये कि क्या आप बिहार सरकार के कर्मचारी हैं जिन्होंने कम से कम 3 साल नियमित एवं यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है रेगुलर सेवा की है। तो अगर आप बिहार सरकार के अंदर काम किए हैं कम से कम 3 साल तक तो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है, और उसके बाद नहीं किए तो आप नो सेलेक्ट करेंगे। जैसे मैं नो सेलेक्ट करता हूँ तो मुझे कुछ भी फिल करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आपको यहाँ पे लिखा हुआ है विच अटैम्प्ट इज ऑफ इंटर लेवल एग्जामिनेशन, यहाँ पे लिखा हुआ है इंटर स्तरीय परीक्षा का कौन सा प्रयास है, मतलब इंटर लेवल जो परीक्षा हुआ था, मतलब इससे पहले भी अगर इस तरह का फॉर्म आया था बहुत साल पहले, तो अगर आपने इस तरह का कोई फॉर्म पहले भी फिल किया है तो अगर आप किए हैं तो आप अगर ये आपका दूसरा अटैम्प्ट है तो आप सेकेंड पे क्लिक करेंगे, अगर ये आपका पहला अटैम्प्ट है मतलब आप पहली मतलब कुछ इस तरह का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो यस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद अपना आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर डालना है, उसके बाद कन्फर्म मोबाइल नंबर है, मतलब दोबारा से आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है और मोबाइल नंबर चेक करके डालिएगा, अच्छे से डालिए ताकि आपको कोई भी मिस्टेक ना हो। और उसके बाद ईमेल आईडी आपको डालना है, उसके बाद कंफर्म ईमेल आईडी डालना है, और आपको यहाँ पे आपको कैलेंडर आपको यहाँ पे दिख रहा है उस पर क्लिक करके आपको अपना जो भी है डेट ऑफ बर्थ वो सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं एज जो आपका रहेगा वो 1/8/2023 से आपको काउंट कर किया जाएगा। 1/8/2023 से के अंदर आपको 18 साल अगर होंगे तभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे आपको ये कैप्चा जो आपको यहाँ दिख रहा है आपको यहाँ पे फिल करना है, और उसके बाद यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। चलिए मैं फिल कर लेता हूँ और सेव और कंटिन्यू पे क्लिक करके आपको मैं बताता हूँ। जैसे मैं सेव और कंटिन्यू पे मैं जैसे क्लिक किया तो मेरे सामने एक नया इंटरफेस आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है कन्फर्म एंड नेक्स्ट या फिर एडिट। आप जो भी चीज़ यहाँ पे फिल की हैं आपको एक मरतबा अच्छे से देख लेना है, क्योंकि मैं आपको यहाँ पे बार बार बता रहा हूँ कि आपको करेक्शन करने का मौका गवर्नमेंट की तरफ से नहीं दिया जाएगा। इसलिए अपने पास भाई बहन जो भी है आपको बैठा लीजिए और उनको बोलिए देखने के लिए कि मैं सही फिल कर रहा हूँ कि नहीं, या कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा है। क्योंकि बहुत मरतबा ऐसा होता है कि फिल करते हैं और अपन देखते भी हैं सब कुछ सही दिख भी रहा है लेकिन गलत होता है, कभी कभी देखने के बावजूद भी हमसे गलती हो जाती है क्योंकि हम ह्यूमन हैं, हम इंसान हैं, हमसे गलती होती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे अगर आप कोई मिस्टेक उस्टेक हुआ तो आप एडिट पे क्लिक भी कर सकते हैं, अगर आप सब कुछ सही है तो आप कन्फर्म और नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। तो चलिए कन्फर्म और नेक्स्ट पे जैसे मैं क्लिक करता हूँ
तो जैसे मैं कंफर्म और कंटिन्यू पे क्लिक किया तो मेरे सामने एक नया इंटरफेस शो हो रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपका जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है, ये देखो यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन नंबर आपको यहाँ पे दिखेगा, मैं ब्लर किया हूँ। और यहाँ पे आपको पासवर्ड दिखेगा आपका, और ये आपका पासवर्ड और ये रजिस्ट्रेशन नंबर आपके मोबाइल और आपके ईमेल आईडी पे सेंड कर दिया गया है। लेकिन आप अपने सुरक्षा के लिए आप जो जैसे ये आपको ये पेज ओपन होगा आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए। कभी अगर आपके मोबाइल पे एसएमएस नहीं आया कुछ टेक्निकल इशू की वजह से तो आपका ये ईमेल आईडी मतलब आपका जो रजिस्ट्रेशन और पासवर्ड आपको नहीं मिल पाएगा। इसलिए जो आपको यहाँ पे इस तरह का इंटरफेस शो हो रहा है उसको आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है अपने मोबाइल में और सेव कर लेना है। और उसके बाद जैसे आपको यहाँ पे आपको जो रजिस्ट्रेशन नंबर और आपको जो ये पासवर्ड मिला है इसको नोट कर लेना है। और आपको क्लिक हियर जो आपको यहाँ पे दिख रहा है ऑप्शन, मैं यहाँ पे ब्लर किया हूँ, आपको यहाँ पे क्लिक करके आपको लॉगिन पे क्लिक करना है या फिर आप यहाँ पे क्लिक करके लॉगिन भी कर सकते हैं। तो चलिए मैं लॉगिन पे क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैं लॉगिन पे क्लिक किया तो मेरे सामने देख सकते हैं कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको दिख रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ इस तरह का आपको कुछ 6 पार्ट में आपको फॉर्म भरना है। यहाँ पे आपको छः पार्ट में फॉर्म भरना है। पहले आपको भरना है पर्सनल डिटेल, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा पर्सनल डिटेल, मैं आपको जरा कलर चेंज करके आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे पर्सनल डिटेल आपको भरना है, उसके बाद आपको पेमेंट करना है, उसके बाद आपको एजुकेशन डिटेल भरना है, उसके बाद आपको फ़ोटो और सिग्नेचर आपको अपलोड करना है, उसके बाद आपको फ़ोटो अपलोड करना है, उसके बाद आप छठा जो स्टेप होगा उसमें आपको कंफर्म करना है, एप्लीकेशन को आपको स्लिप मिलेगा, आपको कंफर्म सबमिट करना है। तो कुछ इस तरह आपको एक एक बाइस करके आपको फॉर्म भरना है। तो चलिए मैं आपको भर के बताता हूँ आपको क्या आगे करना है। जैसे ही मैं आपको यहाँ पर दिख रहा है फर्स्ट स्टेप आपको यहाँ पे दिख रहा है उस जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे या फिर आपको यहाँ पे ऑटोमेटिक यहाँ पे ओपन भी हो गया, यहाँ पे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, मैं आपको चलिए दिखाता हूँ सही से। तो मैं आपको बता रहा था कि फर्स्ट स्टेप में आपको पर्सनल डिटेल भरना है। तो मैं आपको जैसे आप ओपन करते हैं लॉगिन करते हैं तो आपको यहाँ पे दिख जाता है आपको पर्सनल डिटेल आपको यहाँ पे फिल करना है। पर्सनल डिटेल में आपका जो नाम आपने लॉगिन करने वक्त रजिस्ट्रेशन करने वक्त आपने जो अपना नाम दिए थे वो नाम आपको ऑटोमेटिक यहाँ पे शो हो जाएगा। आपको यहाँ पे अपना फादर नेम मदर नेम ये तो ऑटोमेटिक आपका सिलेक्ट क्योंकि आपने पहले सेलेक्ट किया है, और आपने जो डोमिसाइल आपने वहाँ पे सिलेक्ट किए थे कि मैं बिहार का निवासी हूँ, तो आपको वहाँ पे प्रमाण पत्र जो आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट है वो कब जारी की गई थी, अस्थाई निवासी प्रमाण पत्र जारी करने की स्थिति, तो आपको यहाँ पे स्थिति डालना है। आपको जो सर्टिफिकेट होगा निवास प्रमाण पत्र आपका निवास प्रमाण पत्र कुछ इस तरह का जो आपको सर्टिफिकेट होगा उसका जो आपका जो इस आवेदन आप प्रमाण पत्र जारी करने की स्थिति जो होगी वो आपको कुछ यहाँ पे ऊपर शो हो जाएगा। ऊपर आपको यहाँ पे उसकी डेट दिखाई देगी या फिर आप नीचे भी देख सकते हैं, नीचे भी लिखा रहता है। तो इस तरह आप अपने प्रमाण पत्र को देख के आप यहाँ जो भी उस पर तारीख लिखा रहेगा वो आपको यहाँ डालना है। उसके बाद आपका इशू नंबर ऑफ डोमिसाइल सर्टिफिकेट यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको डालना है प्रमाण पत्र आपको संख्या डालना है, मतलब जो आपका जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट होगा तो उसकी जो सर्टिफिकेट नंबर होगा जो जैसे किसे BRCC उसके आगे 2023 उसके आगे कुछ लिखा रहता है, तो आपको जो सर्टिफिकेट जो नंबर होगा वो आपको यहाँ डालना है जो आपके सर्टिफिकेट पे आपको मिल जाएगा। उसके बाद आपको क्या सिलेक्ट करना है, आपको सिलेक्ट करना है डोमिसाइल सर्टिफिकेट, यहाँ पे लिखा है डोमिसाइल सर्टिफिकेट इशू अदर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी आपको यहाँ पे लिखा हुआ है। आपको जो मतलब आपको यहाँ पे जैसे सिलेक्ट का ऑप्शन आ रहा है जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा आपके जो आपके लैपटॉप है या मोबाइल से आप फिल कर रहे हैं। तो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है कि आपका जो सर्टिफिकेट है उस पर जो सिग्नेचर है आपने मतलब किसका सिग्नेचर है, RO या SDO या DM या अदर। तो ज़्यादा का जो सर्टिफिकेट बनता है जो बिहार सरकार में तो वो RO लेवल का ही रहता है। तो आप अपने सर्टिफिकेट पर देख सकते हैं कि आपने किस लेवल का सर्टिफिकेट बनाया है और सर्टिफिकेट पर ही आपको सब कुछ मिल जाएगा। उसके बाद आपको नीचे आना, यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने जैसे RO ही सिलेक्ट किया RO, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ऑटोमेटिक फिल हो चुका है। अगर आप अदर सिलेक्ट करते हैं जैसे मैं इसको जैसे
मैं आपको बताया था, जैसे मैं इसको क्लिक करता हूँ तो मेरे सामने बहुत सारा ऑप्शन आता है, अदर भी आता है। जैसे अदर सेलेक्ट करूँगा तो मुझे यहाँ सिग्नेचर ऑफ अदर अथॉरिटी का जो नाम है वो आपको यहाँ टाइप करना रहेगा। उसके बाद आपका जो कैटेगरी है ST है वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। अगर आप नॉन क्लेम रियर, अगर आप EBC BC या नॉन क्लेम सर्टिफिकेट है तो आपको यहाँ सर्टिफिकेट संख्या नंबर आपको यहाँ पर टाइप करना है, इशू डेट आपको टाइप करना है, और आपको अथॉरिटी मतलब वो कौन से RO लेवल का है। जैसे मैं आपको बताया था कि आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे तो RO, SDO और DM लेवल का जो ऑप्शन आता है वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है कि आपकी सर्टिफिकेट कहाँ से इशू हुई है। और आपका जैसे ही आप यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं RO लेवल तो ये ऑटोमेटिक फिल हो जाता है, आपको ये फिल करने की जरूरत नहीं है। जैसे यहाँ पे ये ब्लैंक हो चुका है वैसे ये भी ऑटोमेटिक ब्लैंक हो जाएगा। उसके बाद नीचे आएंगे, जैसे ही नीचे आएंगे तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा। यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि वर्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर आपको कहा जा रहा है, या आपके मतलब अगर आपके परिवार या फिर आप स्वतंत्रता सेनानी में अगर आप हैं तो आपको यस सिलेक्ट करना है, अगर सर्टिफिकेट है तो, अगर आपके नहीं है तो नो आपको सिलेक्ट करना है। अगर आपके कोई है मतलब फादर हो गया या फिर आपकी मदर हो गया तो उस, अगर आपको आरक्षण का लाभ लेना है तो आप यस सिलेक्ट की जगह सर्टिफिकेट है तो, अगर नहीं है तो आपको नो सिलेक्ट करना है। अगर आप जैसे ही नो सिलेक्ट करेंगे, जैसे मैं यहाँ पे आपको बता दूँ कि अगर आप यहाँ पे जैसे ही नो सिलेक्ट करते हैं, आपको यहाँ पे तो ये सब ऑटोमेटिक, ये सब आपको कुछ फिल करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक सब ब्लैंक हो जाएगा, सब ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा जैसे आप नो सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे दिख रहा है कि आपको नेशनैलिटी आपसे पूछा जा रहा है कि आप नेशनैलिटी किधर है, कि आप इंडिया से है या इंडिया आउट ऑफ इंडिया है, तो आपको यहाँ पे सिलेक्ट का ऑप्शन आएगा तो यहाँ पे आपको इंडिया सेलेक्ट करना है। तो यहाँ भी पूछा जा रहा है डू यू हैव आधार कार्ड, अगर आपके पास आधार कार्ड है तो यस सिलेक्ट कीजिए या फिर आप नो भी सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर ऑप्शन दिया जा रहा है गवर्नमेंट की तरफ से, अगर आपके पास आधार कार्ड है तो डालिए वरना नो पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपको अगर यस सिलेक्ट करते हैं तो आपको ये फिल करना ज़रूरी होता है क्योंकि आपको यहाँ पर आधार कार्ड नंबर डालना पड़ेगा। उसके बाद आई डी प्रूफ में आपको सिलेक्ट करना है, और आपको यहाँ पर आई डी प्रूफ में आप आधार कार्ड भी सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद आपको यहाँ पर आई डी प्रूफ नंबर आपको देना है। तो आई डी प्रूफ नंबर में आप देख सकते हैं यहाँ पे आईडी प्रूफ, आधार कार्ड हो गया, वोटर आईडी हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, पैन कार्ड आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पे उनका नंबर दे सकते हैं जो भी आपका आईडी प्रूफ रहेगा। उसके बाद आपके मतलब उम्मीदवार के पहचान चिन्ह आपको यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर आपके जैसे कैसे आप किसी के गाल पे तिल होता है तो यहाँ पे लिख देंगे तिल, जैसे किसी कोई भी पहचान हो, पहचान आपको मिल रहा है कैंडिडेट के ऊपर तो आप यहाँ पे डाल सकते हो। उसके बाद नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद आपको यहाँ पे बुलाया जाएगा कि आप कुछ UPSC या बोर्ड स्टेट कमीशन एनी अदर का एग्ज़ाम आपने इससे पहले दिया है तो, अगर आप दिया है तो यस पे क्लिक करेंगे, अगर आप नहीं दिए हैं तो नो पे सिलेक्ट करेंगे। हाँ, तो यहाँ पे नीचे आएंगे, यहाँ पे आपको एड्रेस फिल करना है, दो एड्रेस आपको आपको फिल करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं परमा, यहाँ पे प्रेजेंट एड्रेस आपसे करंट एड्रेस आपको यहाँ डालना है, और परमानेंट एड्रेस आपको यहाँ डालना है। तो यहाँ पे आपका जो भी अगर आपका दोनों एड्रेस मतलब जहाँ रह रहे हैं और जहाँ आपका परमानेंट एड्रेस है दोनों सेम है तो आपको सेम से यस पे क्लिक करना है और आपको फिल कर लेना है। अगर आपका दोनों दोनों अलग अलग फिल कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। उसके बाद नीचे आने के बाद आपको यहाँ पर अच्छे से एड्रेस सेलेक्ट कर लेना है। एड्रेस में आपको कुछ ज़्यादा कुछ करना नहीं है, आपको एड्रेस जो भी वो डाल देना है, विलेज आपको डाल लेना है, पुलिस स्टेशन डाल लेना है, पोस्ट ऑफिस डाल लेना है, स्टेट राज्य डाल देना है, आपका कुछ कौन सा मतलब राज्य है, मतलब बिहार ही आएगा ना जब आप परमानेंट एड्रेस है, जब आपके पास डोमिसाइल है तो, और आपके पास यहाँ पे जिला आपका जो भी रहेगा पिन कोड डाल लेना है। उसके बाद अगर आपका जो करंट एड्रेस है वगैरह वो सेम है तो इस पे क्लिक कर देंगे, अगर सेम नहीं है तो इसको इस पे क्लिक नहीं करेंगे। अगर आपका करंट एड्रेस सेम नहीं है तो इस पे आपको क्लिक नहीं करना है और यहाँ पे आपको ये फिल करना है, अगर सेम है तो इस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको सबमिट का ऑप्शन दिख रहा है, सबमिट पे क्लिक करेंगे। तो सबमिट पे क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरह का आपको डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे ग्रीन कलर का हो चुका है, यानी हमने पर्सनल डिटेल सक्सेसफुली फिल कर चुके हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे दिख रहा होगा क्लिक हियर फॉर एडिट डिटेल्स बिफोर पेमेंट यू कैन एडिट योर डिटेल्स, मतलब पेमेंट से पहले, मतलब सेकेंड ऑप्शन आपका पेमेंट है,
पेमेंट से पहले आप एडिट कर सकते हैं, लेकिन पेमेंट के बाद आप एडिट नहीं कर सकते। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है यू हैव फिल्ड योर पर्सनल डिटेल एंड अदर डिटेल सक्सेसफुली, मतलब मैंने पर्सनल डिटेल और अदर डिटेल मैंने सक्सेसफुली सब कुछ फिल कर लिया हूँ। अगर आपको कुछ एडिट करना है, मतलब आपको लग रहा है कि मैंने कुछ गड़बड़ मिस्टेक कर दिया हूँ, तो आपको यहाँ पे जो क्लिक हियर टू एडिट डिटेल पे आपको क्लिक करके एडिट कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे दिख रहा होगा स्टेप टू पेमेंट प्रोसेस, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा स्टेप टू पेमेंट प्रोसेस, यहाँ पे प्रोसेस यहाँ पे आपको दिख रहा होगा स्टेप टू पेमेंट प्रोसेस आपको दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करेंगे। जैसे उस पर क्लिक तो यहाँ पे आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको पेमेंट करना है। पेमेंट करने के लिए आपके दो मेथड हैं, या फिर आप ICICI में पेमेंट कर सकते हैं या फिर SBI में। जिसमें आपको क्लिक करना है उस पर क्लिक करके प्रोसेस ऑनलाइन पेमेंट पर आपको क्लिक करना है। तो चलिए मैं इस पर क्लिक कर लेता हूँ। और नेक्स्ट आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस होगा। यहाँ पे आपका ये पेमेंट मोड है, यहाँ पे आप कार्ड के थ्रू, इंटरनेट बैंकिंग, UPI, गूगल पे, फ़ोन पे, व्हाट्सएप पे, यहाँ पे सब के थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि आप UPI के थ्रू कैसे पेमेंट करें। तो UPI पे जैसे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको UPI का ऑप्शन आ रहा है, उस पर क्लिक करना है। तो UPI पे क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा। यहाँ पे आपको एंटर योर UPI ID आपको यहाँ पे डालना है। और यहाँ पे जैसे आप UPI ID डालते हैं तो आपको यहाँ पे नेक्स्ट आपको पेमेंट करने का ऑप्शन आएगा, या फिर आप UPI QR कोड, जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे एक QR कोड आपको यहाँ पे जनरेट हो जाएगा। कुछ इस तरह का आपको QR कोड जनरेट होगा, और आपको QR कोड को स्कैन करना है अपने मोबाइल से, और उसके बाद पेमेंट करना है। पेमेंट करने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, आपको धैर्य, मतलब आपको दो मिनट तक आपको कुछ नहीं करना है इंटरनेट, मतलब इसमें वेबसाइट पे कुछ छेड़खानी नहीं करना है। आपको स्थिर होकर आपको बैठना है, और जैसे ही आप पेमेंट सक्सेसफुली करते हैं तो आपके सामने ऑटोमेटिक नया पेज ओपन होगा। आपको कुछ भी नहीं करना, ऑटोमेटिक सब कुछ होगा। अगर आप कुछ करते हैं या कुछ आप रिफ्रेश करते हैं ब्राउज़र को, तो आपका पेमेंट कट जाएगा और यहाँ पे कंफर्म भी नहीं होगा, तो ये दिक्कत हो सकती है। इसलिए आपको पेमेंट करते वक्त आपको कुछ ब्राउज़र को रिफ्रेश या कुछ करना नहीं है, जैसे ही वैसे ही आपको रखना है और दो मिनट वेट करना है। ऐसा नहीं कि पेमेंट कर दिया और यहाँ पर दिखा रहा है अभी तक नहीं हुआ, तो आपको दो मिनट तक कम से कम वेट करना है। नेक्स्ट में आप देख सकते हैं, यहाँ पे पर्सनल डिटेल फुल हो चुका है और स्टेप टू पेमेंट का भी फुल हो चुका है। आपको आप यहाँ पे देख सकते हैं एजुकेशन डिटेल, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं योर ऑनलाइन पेमेंट सक्सेसफुली प्रोसेस्ड। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरा ऑनलाइन जो पेमेंट है वो सक्सेसफुली प्रोसेस्ड हो चुका है, मैंने ऑनलाइन पेमेंट पूरा कर दिया हूँ। और यहाँ पे आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको स्टेप टू एजुकेशन डिटेल आपको भरना है। तो चलिए मैं एजुकेशन डिटेल में भर लेता हूँ। एजुकेशन डिटेल भरने से पहले जब आप पेमेंट करते हैं तो आपको यहाँ पे जो दिख रहा है प्रिंट क्या है पेमेंट स्लिप आपको यहाँ पे दिख रहा है, उस पर क्लिक करना होगा। आपको जो पेमेंट जो आपको स्लिप होगा वो आपको डाउनलोड कर लेना है PDF के रूप में। और उसके बाद जैसे ही आप सेव और नेक्स्ट क्लिक करते हैं तो ऑटोमेटिक आपका जो नेक्स्ट रहेगा एजुकेशन डिटेल वो आप ऑटोमेटिक खुल जाएगा। तो ये बात याद रखिएगा कि अपना जो पेमेंट स्लिप होगा वो ज़रूर आप हासिल कर लें, वरना आपको बाद में इसकी जरूरत। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको एजुकेशन डिटेल आपको फिल करना है। यहाँ पे आपको एजुकेशन डिटेल में आपको 10th की जो एजुकेशन है वो डालना है। 10th में आपकी कौन कौन से सब्जेक्ट थे, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, मराठी, गुजराती, जो भी आपका लैंग्वेज था वो डालेंगे। जो आपके मार्कशीट पे जो सब्जेक्ट लिखा होगा वही सब्जेक्ट आपको डालना है। आपने कौन से बोर्ड से आपने 10th पास किया है, आपका जो बोर्ड का जो 10th का जो मार्क्स था वो कितना, टोटल कितने मार्क्स का था, 500 का था तो 500 डालेंगे। आपने 500 में से कितने हासिल किए थे, 200, 300, तो यहाँ डालेंगे। उसके बाद आपका परसेंटेज ऑटोमेटिक कैलकुलेट होकर आ जाएगा। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ पे आपको अपना सर्टिफिकेट नंबर आपको यहाँ पे डालना है, जो भी आपका सर्टिफिकेट या फिर मार्कशीट नंबर आपको डालना है। सर्टिफिकेट और मार्कशीट नंबर आपको मार्कशीट पे आपको मिल जाएगा, आप तलाश कीजिएगा आपको मिल जाएगा। उसके बाद आपको जो सर्टिफिकेट इशू डेट आपको यहाँ पे कैलेंडर पे क्लिक करके सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आप जैसे 10वीं का फिल करते हैं तो आपको 12th का फिल करने का ऑप्शन आ जाएगा। चलिए मैं 12th का फिल करके आपको बता देख सकते हैं। जैसे मैंने 12th पे क्लिक किया तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 12th पे क्लिक करने के बाद आपको लगभग साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स या फिर 3 ईयर डिप्लोमा वाले भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, या फिर अदर जो ऑप्शन आ रहा है वो भी इसमें अप्लाई कर सकेंगे। उसको भी 12th लेवल की एजुकेशन माना जा रहा है। उसके बाद यहाँ पे जो भी आपका सब्जेक्ट था वो सिलेक्ट करेंगे, आप बोर्ड सेलेक्ट करेंगे, कितना मार्क्स का था, 600 मार्क्स का या 700 मार्क्स का वो सिलेक्ट करेंगे। वो 700 या 600 मार्क्स में से आपको कितना मार्क्स मिला परसेंटेज ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद आपका जो मार्कशीट जो नंबर होगा यहाँ पे आपको डालना है। उसके बाद यहाँ पे जो आपका इशू डेट है वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एजुकेशन डिटेल भरने के बाद आपको कुछ इस तरह का टेक्निकल स्किल आपसे मांगा जा रहा है। अगर आपके पास हिंदी और इंग्लिश की टाइपिंग की सर्टिफिकेट है
टाइपिंग सर्टिफिकेट तो आप यहाँ पर डालिए। अगर कौन से मतलब आपका टाइपिंग नेम ऑफ इंस्टीट्यूट जहाँ से आपने टाइपिंग सर्टिफिकेट आपने हासिल किए वो डालेंगे, और सर्टिफिकेट नंबर आपको यहाँ डालने होंगे, और यहाँ पे कब आपका सर्टिफिकेट इशू होता है वहाँ डालेंगे। अगर आपके पास ये टेक्निकल इशू मतलब सर्टिफिकेट नहीं है तो कोई जरूरत नहीं आपको ये भरने की, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे आपका स्टार मार्क नहीं दिया हुआ है कुछ इस तरह का, कहाँ पे आपको स्टार मार्क्स आता है जो आपके मैं पहले ही बताया था फॉर्म स्टार्ट करने से करते वक्त कि जहाँ पे स्टार मार्क होगा उसी को भरना मैंडेटरी है, वरना आप इसको नहीं भरेंगे तब पर भी चलेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको नहीं भरेंगे तब पर भी चलेगा। और उसके बाद नेक्स्ट आपको हैव यू डन एनी कंप्यूटर कोर्स, अगर आपने एनी कोई भी कंप्यूटर कोर्स आपने किए डिप्लोमा किए या कोई भी कंप्यूटर कोर्स किए तो आपको यहाँ पे पूरा डिटेल भरना है कि आपने कहाँ से आपने एजुकेशन डिटेल आपने हासिल की है। तो यहाँ पे एक एक करके सब कुछ भर लेना है। यहाँ पे एक बात याद रखिएगा, क्योंकि जो वैकेंसी निकली है उसमें ज़्यादातर कंप्यूटर टाइपिंग की जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है, कंप्यूटर की क्वालिफिकेशन मांगी गई है लगभग दो या तीन ऐसे पोस्ट है जहाँ पे कंप्यूटर की नॉलेज नहीं मांगी गई है। तो अगर आप कंप्यूटर की नॉलेज नहीं भरते सर्टिफिकेट नहीं डालते हैं तो आप बस दो और तीन ही पोस्ट में अप्लाई कर सकते हैं, बाकी में आपको अप्लाई करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। तो यहाँ पे आप गौर से देख लीजिएगा। और दूसरी बात, अगर आप चाहते हैं कि मैं कंप्यूटर का सर्टिफिकेट बना लूँ और यहाँ पर अपलोड कर दूँ, तो आप कहीं भी अगर आप जाते हैं बनाने के लिए तो आप सोच समझ के अपने तरफ से सोच विचार लीजिएगा, क्योंकि जैसे ही आप कोई भी संस्थान से सर्टिफिकेट बनाते हैं तो संस्थान देख लीजिएगा कि वो मान्यता प्राप्त है कि नहीं। क्योंकि जब अगर आप फर्जी सर्टिफिकेट बना लेते हैं या अगर आप फर्जी या किसी इस तरह का इंस्टीट्यूट जो फर्जी डॉक्यूमेंट बनाते हैं अगर आप उससे सर्टिफिकेट हासिल करके आप यहाँ फिल कर देते हैं तो आगे जाके आपको बहुत दिक्कत हो सकती है, क्योंकि ये सर्टिफिकेट सब जांच में जाएंगे। जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो उसके बाद जितनी भी आपके मार्कशीट रहते हैं सब कुछ सब जाँच में जाती है। अगर जाँच में फर्जी पाई जाती है तो आपको सज़ा भी हो सकती है और आपका नौकरी तो जाएगा ही हाथ से। तो उसके बाद सेव और नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, ये सब डिटेल भरने के बाद सेव और नेक्स्ट पर जैसे मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे ही मैंने सेव एन एक्स पे क्लिक किया तो मेरे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस शो हो रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लिक हियर टू एडिट डिटेल्स, अगर आपको कुछ इसमें लग रहा है कि मैंने कुछ गलत मिस्टेक कर दिया मैंने, तो यहाँ पे आपको यहाँ पे एडिट करने का ऑप्शन आपको मिल रहा है। सिर्फ एजुकेशन डिटेल आप ही एडिट कर सकते हैं, बाकी कुछ एडिट नहीं कर सकते, वो भी कब तक, अगर आप बिफोर अपलोड इमेज यू कैन एडिट योर डिटेल्स, मतलब आपको नेक्स्ट स्टेप में फोटो अपलोड करना है, फोटो अपलोड करने से पहले आप इसको एडिट कर सकते हैं। तो आप फोटो अपलोड करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ पे दिख रहा है स्टेप फोर, उस पर क्लिक करेंगे या फिर नीचे जाके आपको क्लिक करेंगे तो आपको फोटो अपलोड करने का ऑप्शन आपको शो हो जाएगा। तो चलिए मैं आपको फोटो अपलोड करके बता देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे फोटो अपलोड करने का ऑप्शन आ चुका है। यहाँ पे आपका जो फोटो रहेगा वो जेपीजी साइज में रहेगा और 200 पिक्सल और यहाँ पे से 230 पिक्सल हाइट, यहाँ पे आप देख सकते हैं लेंथ और हाइट यहाँ पे दिया हुआ है, ब्रेथ और यहाँ पे देख सकते हैं हाइट आपको यहाँ पे दिया हुआ है, दो ऑप्शन है मतलब ऊंच लंबाई और चौड़ाई कितनी रहेगी यहाँ पे लिखा हुआ है आप देख सकते हैं। और आपका जो फ़ोटो रहेगा वो कम से कम आपका जो ओल्डर फ़ोटो नहीं होना चाहिए, आपका जो फ़ोटो रहेगा वो न्यू अभी फ़ोटो खिंचवा लीजिए और वही फ़ोटो अपलोड कीजिए। उसके बाद फ़ोटो यहाँ से अपलोड करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है आपको यहाँ पे चूज़ फाइल पे क्लिक करके आपको फ़ोटो चूज़ करना है गैलरी से और अपलोड कर देना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं आप यहाँ आपको सिग्नेचर अपलोड करना है और आपको अपना हिंदी और इंग्लिश में सिग्नेचर अपलोड करना है। हिंदी यहाँ पे इंग्लिश में आपको करना है, यहाँ पे हिंदी में करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे चूज़ फाइल पे क्लिक करके आप यहाँ पे फोटो अपलोड करना है और यहाँ पे सबमिट क्लिक करना है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो आपका फ़ोटो रहेगा यहाँ पे साइज़ दिया हुआ है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। और आपका साइज़ मतलब आपका जो फ़ोटो का साइज़ रहेगा वो 10 KB से 20 KB के अंदर होना चाहिए और उनकी लेंथ ब्रेथ कितनी होनी चाहिए यहाँ पे सब लिखा हुआ है। उसके बाद सबमिट पे क्लिक करेंगे, सबमिट पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एक नया इंटरफेस शो होगा। सबमिट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे लिख क्या आ रहा है, यू हैव अपलोड इमेज सक्सेसफुली आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। और ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं स्टेप फोर जो आपको वो कंप्लीट हो चुका है, मतलब जहाँ जहाँ आपको ग्रीन दिख रहा है वो आपका स्टेप क्लियर हो चुका है। और आपको आपको लाइव फ़ोटो आपको यहाँ पे अपलोड करना है और उसके बाद फाइनल सबमिट करना है। तो नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद यहाँ पे आपको दिख रहा होगा यहाँ पे सेव और नेक्स्ट, यहाँ पे आपको नीचे आपको यहाँ पे सेव और नेक्स्ट का ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, सॉरी सेव और नेक्स्ट पे आपको नीचे आपको दिख रहा है, उस पर क्लिक करेंगे तो जैसे उस पर क्लिक करेंगे तो मेरे सामने एक नया इंटरफेस शो होगा और आप पहुंच जाएंगे कहाँ, आपको यहाँ पे स्टेप फाइव में पहुंच जाएंगे और आपको यहाँ पे लाइव फ़ोटो अपलोड करना है।
यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको लाइव फोटो अपलोड करना है। लाइव फोटो अपलोड जैसे ही आप लाइव फोटो एक फोटो पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपसे परमिशन मांगा जाएगा, आप अलाउ पे क्लिक करना है आपको। जैसे अलाउ पे क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपका इंटरफेस शो होगा। अब यहाँ पे आपको टेक फोटो पे क्लिक कर देना है। जैसे मैं टेक फोटो पे क्लिक किया तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा फोटो अपलोड हो चुका है। और यहाँ पे आपको एग्री करना है, और आपको जो जहाँ से आपने फॉर्म भर रहे हैं, जो प्लेस आपका है, जैसे मैं बिहार से भर रहा हूँ तो बिहार या फिर अपना गाँव भी लिख सकते हैं, या फिर उसके बाद आपको सबमिट पर क्लिक करना है। तो चलिए, मैं सबमिट पर क्लिक करने के बाद मेरे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा। यहाँ पे आपको अगर आपका फ़ोटो सही नहीं आया तो आप री अपलोड लाइव फ़ोटो पे आप क्लिक करके आप री अपलोड भी कर सकते हैं, और यहाँ पे फाइनल सबमिट पे क्लिक करके फाइनल सबमिट भी कर सकते हैं। तो चलिए, मैं यहाँ पे फाइनल सबमिट पे क्लिक करता हूँ। जैसे मैं फाइनल सबमिट पे क्लिक किया तो मेरे सामने पूरी डिटेल आ चुकी है, और यहाँ पे आप उसके लॉग आउट भी हो सकते हैं। और दूसरी, अगर आप यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको सेकंड ऑप्शन दिया जा रहा है प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म, तो आपको ये प्रिंट निकाल लेना है। जो अभी आपने फॉर्म भरा है उसका एप्लीकेशन फॉर्म प्रिंट आउट आपको ले लेना है। तो कुछ इस तरह आप इसमें फॉर्म भर सकते थे। उम्मीद है आपको सब कुछ स्टेप बाय स्टेप समझ में आया हो। अगर आपको अभी भी कुछ डाउट है, कुछ मिस्टेक है, तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, और मैंने अपना इंस्टाग्राम का लिंक भी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, और मेरा जो व्हाट्सएप चैनल है मैंने उसका भी लिंक दे दिया हूँ। आप उस पर क्लिक करके मुझसे रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट हो रहा है तो कमेंट बॉक्स ज़रूर कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिए। उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव लगा। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।